हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आर्यन्द्र पाल गंगवाल। आई टीच क्लास फिफ्थ इंग्लिश ग्रामर में। आज आपको पढ़ाते हैं टेंस। तो सबसे पहले हमने उस दिन आपको पढ़ाया था टेंस के बारे में। टेंस थ्री टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों टेंस के माध्यम से मैंने आपको बताया था। प्रेजेंट के भी चार होते हैं, पास्ट के भी चार होते हैं और फ्यूचर के भी चार चार सबके टेंस होते हैं, होते हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था, पूरा एग्जांपल बताए थे। आज मैं आपको बताता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहले स्टार्ट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नंबर वन है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा इसमें आता है पहचान। इसकी पहचान क्या है आखिर, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? तो सबसे पहले हम पहचान लिखेंगे इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में। कौन से? हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती हैं, ते हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं जैसे जाता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, सोता है, रोता है, आ रहता है, तो ये शब्द आते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में। जबकि इंग्लिश सेंटेंस की क्या पहचान है इंग्लिश में? अब आपको इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश सेंटेंस में आप कैसे पहचानेंगे? तो इंग्लिश सेंटेंस की ये पहचान है, इसमें सिंगुलर पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, बट परंतु प्लूलर के साथ प्लूलर पर्सन में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ओनली कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। होता है कि इसमें क्या होता है, हमारा प्लूरल में जो है एस या एस का यूज नहीं होता है, ओनली फर्स्ट फॉर्म आती है। जबकि सिंगुलर पर्सन में जो है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज होता है। अंडरस्टैंड, इस चीज को याद रखेंगे हम, सिंगुलर में एस या एस आता है जबकि प्लूरल में एस या एस नहीं आता है। समझ आ रहा है आपको? समझ रहे होंगे सभी? ओनली सिंगुलर पर्सन में एस या एस लगाओ और प्लूरल में एस या एस का यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है ना? तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे, एस या एस, यहाँ एस या एस और यहाँ एस या एस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका एक हमारा वार्निंग क्या है, इसकी चेतावनी, इसकी वार्निंग यह है, इसमें इस टेंस में इज आर एम नॉट यूज, इसमें इज आर एम का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। इज आर एम का अगर आपने यूज कर दिया तो टेंस कैसा हो जाएगा हमारा? रॉन्ग माना जाएगा। इसमें इज आर एम का यूज नहीं करते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इज है आ गया तो इज लगा दिया, आर आ गया तो हैं आ गया तो आर लगा दिया, और हूँ आ गया तो एम का इन्हें यूज कर दिया। लेकिन ये जो है दिस इज रॉन्ग, ये वर्जित है, ये गलत है, ये ठीक है ना, इस चीज़ का हम विशेष ध्यान रखेंगे। तो इसमें हम इसके रूल्स बताते हैं, इसके थ्री टाइप्स जो हम इसे बनाएंगे। एक हमारा होता है अफर्मेटिव, एक नेगेटिव और एक इंट्रोगेटिव। तीनों तरह से इसकी हम जो है क्या करेंगे, तीनों तरह से इसे बनाते हैं। कि अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, तीनों के रूल्स अलग अलग हैं, नेगेटिव कैसे बनाएंगे और इंट्रोगेटिव किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इसके सबसे पहले हम कौन सा स्टार्ट करते हैं? अफर्मेटिव। कौन सा स्टार्ट करते हैं हम? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव या ऐसे हम कभी कभी क्या कहते हैं, असर्टिव भी बोल सकते हैं इसे हम। क्या बोल सकते हैं इसे हम? इसे हम असर्टिव भी बोला जा सकता है, इसे असर्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? असर्टिव। अफर्मेटिव या असर्टिव कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCES अफर्मेटिव सेंटेंस भी इसे कहते हैं, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस भी इसे कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसे हम हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक
बाग। इसके रूल्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं इसके? सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, कोई भी सेंटेंस को बनाएंगे हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे इसमें हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, एस या ई एस, ये भी लिख देते हैं, में एस या ई एस जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं प्लस, और उसके बाद रह गया हमारा ऑब्जेक्ट, उसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, राम स्कूल जाता है, क्या हमने बनाया, स्कूल, राम स्कूल जाता है, जाता है, तो ये किसका हो गया, राम कैसा हो गया, सिंगुलर पर्सन हो गया, राम क्या है, सिंगुलर पर्सन है। दिस नियम इज फॉलो सिंगुलर पर्सन, कौन से नियम में लागू होगा, ये सिंगुलर पर्सन में लागू होगा, ये किस में लागू होगा, सिंगुलर पर्सन। तो राम क्या है हमारा, सिंगुलर पर्सन है, राम, राम सिंगुलर पर्सन है, तो क्या बन जाएगा, राम क्या माने जाना होता है, देखो अब हमने लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या होता है, जाना, खाना, उठना, बैठना, कहाँ आते हैं, वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट आता है और वाक्य के लास्ट में वर्ब आता है, तो क्या जाना क्या माने होता है, गो, तो क्या आ जाएगा, गोज, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। दूसरा हमने लिखा वह खाना बनाती है, बनाती है, तो वह का मतलब किससे हो गया, वह कौन हो गया, गर्ल्स, तो सी हो गया, सी माने वह होता है लड़की के लिए, लड़के के लिए उसके लिए क्या लगाया जाता है हमारा, मैस्कुलिन जेंडर ही एंड फीमेल जेंडर सी, तो क्या हो गया, सी हो गया, क्या माने बनाना होता है, कुक, तो क्या आएगा, कुक्स दी फूड, सी कुक्स दी फूड, वह खाना बनाती है, अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे ना। तो सिंगुलर पर्सन के साथ क्या आएगा हमारा, एस या ई एस का हम यूज कर रहे हैं सिंगुलर पर्सन में, सिंगुलर पर्सन में एस या ई एस का यूज करेंगे। एक सेंटेंस और बना देते हैं आपको, हम बता देते हैं, जैसे राधा मंदिर जाती है, राधा मंदिर जाती है, नाम सिंगुलर पर्सन में आता है, तो राधा हो गया, आर ई डी एच ए राधा, क्या माने जाना होता है, गो, क्या आ जाएगा, गोज टू टेम्पल, राधा मंदिर जाती है, राधा गोज टू टेम्पल, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है ना सबको, राधा मंदिर जाती है। तो ये हमारे क्या हो गए, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंस के ये जो हमारे सेंटेंस हो गए। इस तरह से आप और भी सेंटेंस बना देंगे, और भी सेंटेंस बनाएंगे, ये तो हो गए हमारे। अब बात आती है प्लूरल पर्सन की, अभी तक सिंगुलर थे, अब प्लूरल पर्सन में हम कैसे यूज करते हैं इसका, तो प्लूरल पर्सन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस ओनली वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ओनली, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम इसमें जो है क्या नहीं लगाएंगे, इसमें एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे, एस या ई एस नॉट यूज, क्या करेंगे, एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड, इसमें एस या ई एस नहीं लगाएंगे, इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे, इसमें एस या ई एस जो है इसका यूज नहीं करना है हमें, क्या नहीं करना है, एस या ई एस का यूज बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि इसमें एस या ई एस जो है वो गलत है, ठीक है ना। बस केवल क्या करेंगे हम, इसमें हम यूज करेंगे केवल क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एक सेंटेंस आपको जैसे बताते हैं, लड़के मैच खेलते हैं, मैच खेलते हैं, लड़के मैच खेलते हैं, तो लड़के की अंग्रेजी क्या हो गई, बॉयज, बी ओ वाई एस, ठीक है, बॉयज क्या करते हैं, बॉयज क्या करते हैं, खेलते हैं, क्या माने खेलना होता है, प्ले, पी एल ए वाई प्ले, बॉयज प्ले द मैच, एम ए टी सी एच, मैच, ठीक है ना, अंडरस्टैंड। नंबर दूसरा हमने बोला कि माताजी कहानियां सुनाती हैं, माताजी कहानियां
माता जी कहानियाँ सुनाती हैं, सुनाती हैं, ठीक है ना, या हमें सुनाती हैं, हमें भी लगा सकते हैं माता जी कहानी सुनाती हैं, तो लिखेंगे मदर, माता जी क्या होगा, मदर, माता जी क्या मैं सुनाना होता है, टेल, तो टी ई डबल एल एस हो जाएगा टेल्स, लेकिन बट ये क्या हो गया, माता जी क्या हो गया, हमारा सिंगुलर पर्सन हो गया, आएँ अगर यहाँ प्लूलर का लगाए तो यहाँ का लगाएंगे हम टेल्स लगाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर हमारा प्लूलर का होता तो क्या लगाते हम, तो हम यहाँ पर टेल लगाते, तो माता जी मदर टेल्स स्टोरीज, एस टी ओ आर आई ई एस स्टोरीज, अगर यहाँ होता कि वे कहानियाँ सुनाते हैं, वे कहानियाँ सुनाते हैं, सुनाते हैं, तो क्या हो जाता हमारा, वे की अंग्रेजी दे हो जाती, तो यार टेल्स की जगह क्या आ जाती, टेल, दे टेल स्टोरीज, एस टी ओ आर आई ई एस, अंडरस्टैंड, क्या मतलब कि सिंगुलर पर्सन में क्या हमने क्या लगाया, यहाँ टेल्स लगाया सिंगुलर पर्सन के साथ टेल्स लगाया, जबकि प्लूरल के साथ हमारा एस आई एस का यूज नहीं होगा, अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं सब इस बात को, इस कि सिंगुलर पर्सन में एस आई एस लगाएंगे जबकि प्लूरल में एस आई एस का यूज नहीं करेंगे, ओनली प्लूरल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और सिंगुलर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अंडरस्टैंड, समझ रहे होंगे ना इस सेंटेंस को, हाँ जी। नेक्स्ट आता है हमारा निगेटिव, अब नेक्स्ट आता है हमारा निगेटिव, तो निगेटिव कैसे बनाएंगे, निगेटिव माने होता है नकारात्मक, तो इसमें क्या करेंगे हम, निगेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद डज नॉट या डू नॉट लगाएंगे, किसी भी सेंटेंस में नहीं आता है, अगर सिंगुलर पर्सन में नहीं आता है तो डज नॉट, और प्लूरल में अगर नहीं आता है तो डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों में लगाएंगे, चाहे सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ, इसमें एस आई एस का यूज नहीं करेंगे, इन सेंटेंस में क्या करेंगे, निगेटिव में क्या करते हैं, एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, एस आई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, एस आई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी वर्ब में क्या नहीं करते हैं, वर्ब में एस आई एस को हम नहीं जोड़ेंगे, ओनली क्या करेंगे हम, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे एग्जाम्पल एक हमने लिया, हम चाय नहीं पीते हैं, तो क्या बनाएंगे हमने, वी के साथ क्या आएगा, डू नॉट, वी डू नॉट, चाय पीने को लगाते हैं टेक टी, टेक टी, वी डू नॉट टेक टी, हम चाय नहीं पीते हैं, अगर तो हम दूध नहीं पीते हैं तो वी डू नॉट, तो बनाते हैं वी डू नॉट ड्रिंक, डी आर आई एन के ड्रिंक मिल्क, दूध के लिए आता क्या था, मिल्क, दूध के लिए हम मिल्क लगा सकते थे, लेकिन चाय के लिए क्या लगाएंगे हम, टेक टी, हम चाय नहीं पीते हैं तो वी डू नॉट टेक टी, अंडरस्टैंड, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, ये हमारा हो गया किसका हो गया, प्लूलर का हो गया, हम क्या है, प्लूलर का है, अगर हम कहें कि वह रामायण नहीं पढ़ता है, तो क्या बन जाएगी, ही डज नॉट रीड, आर ई डी रीड, ही डज नॉट रीड दी रामायण, आर ए एम ए वाई ए एन, ठीक है ना, ही डज नॉट रीड दी रामायण, वह रामायण नहीं पढ़ता है, नंबर तीन, नेक्स्ट सेंटेंस हम कहें कि लड़के नदी में स्नान नहीं करते हैं, तो क्या बनाएंगे हम, लड़के की क्या होगी, बॉयज डू नॉट, क्या आएगी, बॉय डू नॉट बाथ इन दी रिवर, आर आई वी ई आर, वाई डू नॉट बाथ इन दी रिवर, लड़के नदी में स्नान नहीं करते हैं, हम रामायण नहीं पढ़ते हैं, ही डज नॉट हो गया, ये हमारा किसका हो गया, ये सिंगुलर का हो गया, ये प्लूरल के हो गए, दोनों हो गए, नहीं हो गए,
तो सिंगुलर में क्या लगाएंगे, डज नॉट, और प्लूरल में डू नॉट का हम यूज करेंगे। अंडरस्टैंड, सभी समझ रहे होंगे ना इस चीज को, तो इसलिए इसके हम और भी सेंटेंस हम बना के लाएंगे, आप लोग इसके और भी सेंटेंस बनाएंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव में, यदि किसी वाक्य में कभी नहीं शब्द आए, कभी नहीं आ जाता है, तो कभी नहीं शब्द आएगा तो कभी नहीं की अंग्रेजी क्या लगाएंगे हम, नेवर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नेवर, लेकिन नेवर के साथ कभी भी डज नॉट या डू नॉट का यूज नहीं करेंगे, कभी डू नॉट या डज नॉट नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट लगाएंगे, नेवर लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस किसके, कर्ता के अनुसार। जो सब्जेक्ट होगा सिंगुलर पर्सन का है तो एस आई एस लगाओ, प्लूरल का है तो नहीं लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कहा कि हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी। कभी नहीं की अंग्रेजी क्या लगाएंगे हम, एन ई वी ई आर, बी नेवर। झूठ बोलना होती है हमारी टैले लाई, बी नेवर टैले लाई, हम कभी झूठ नहीं, हमने डू नॉट का यूज नहीं किएंगे हम। नंबर टू, और हमने कहा कि हम की जगह लगा दें वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, नहीं बोलता है, तो क्या लगाएंगे हम, वह की अंग्रेजी हो गई ही, लेकिन डज नॉट नहीं लगाएंगे यहाँ, क्या लगाएंगे, ही नेवर, क्या लगाएंगे, ही नेवर, टी ई डबल एल एस टेल से लाई। क्यों, क्यों यूज किया टेल्स, क्योंकि यहाँ पर हमारा ही क्या हो गया, ये सिंगुलर पर्सन हो गया, ये हमारा क्या था यहाँ, वी प्लूरल था, इसलिए यहाँ टेले लाई लगाया, टेले लाई लगाया क्योंकि प्लूरल था, और हमारा यहाँ सिंगुलर हो गया ही, इसलिए हमने टेल से लाई लगा दिया। अंडरस्टैंड, यानी सिंगुलर पर्सन में तो एस आई एस लगाएंगे नेबर के साथ, लेकिन प्लूरल में एस आई एस का यूज नहीं करेंगे। लेकिन नेगेटिव में क्या, सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ, डज नॉट और डू नॉट वालों सेंटेंसों के साथ कभी भी हम क्या नहीं करेंगे, एस आई एस का यूज नहीं करेंगे, चाहे इंट्रोगेटिव हुए और चाहे निगेटिव हुए, ओनली नेबर वाले के साथ सिंगुलर के साथ एस आई एस, प्लूरल के साथ एस आई एस नहीं लगाएंगे, और ओनली अफर्मेटिव में ये नियम फॉलो होगा। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा ना आपको। अब बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो वाक हमारे क्या से शुरू होते हैं या डब्ल्यू एच वाला कोई वर्ड आता है, जैसे कब कहाँ क्यों कैसे वाक के अंत में आते हैं। जैसे क्या से अगर कोई वाक हमारा शुरू होगा, क्या हम स्कूल जाते हैं, क्या हम स्कूल जाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस में क्या आएगा हमारा, डू और डज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डू या डज का यूज होगा। जैसे क्या हम स्कूल जाते हैं, तो क्या होगा, हम सिंगुलर पर्सन के साथ डज, प्लूरल के साथ डू का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस आई एस का यूज नहीं करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट फिर इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे। अंडरस्टैंड, कि क्या हम स्कूल जाते हैं। अब हमने कहा हम स्कूल क्यों जाते हैं, तो फिर हम पहले क्योंकि अंग्रेजी लगाएंगे, कब कहाँ क्यों प्रश्नवाचक शब्द है, तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करेंगे, फिर डू या डज लगाएंगे, सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, एक एक सेंटेंस बनाते हैं हम। जैसे हमने कहा क्या हम स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं, क्या हम स्कूल जाते हैं, तो बनाएंगे डू वी गो टू स्कूल, डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं। दूसरा लिखा हम स्कूल क्यों जाते हैं, हम स्कूल क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं, प्लूरल के हैं ये, तो इसमें क्या शब्द आ गया क्यों। अगर क्यों है तो क्यों की अंग्रेजी हम यहाँ पहले लगाएंगे, लगाएंगे वाई, क्या लगाएंगे वाई। अब हमने देखा वाई लगा हुआ है, हम कैसा है प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे डू, वाई डू वी गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे ना सभी। इसके बनाएंगे कि हम स्कूल क्यों जाते हैं, या क्या हम स्कूल जाते हैं, क्या हम स्कूल जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल, हम स्कूल क्यों जाते हैं, वाई डू वी गो टू स्कूल। अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम बनाते हैं इसका सिंगुलर पर्सन के, इसके कोई हम बनाते हैं, सिंगुलर के बना दो कोई। अब आता है हमारा क्या पिताजी अखबार पढ़ते हैं, तो पिताजी कैसा होगा, सिंगुलर हो गया, क्या पिताजी अखबार पढ़ते हैं, तो क्या बनाएंगे डज, फादर, क्या हमें पढ़ना होता है रीड, आर ई डी रीड, द न्यूज पेपर, एन ई डब्ल्यू एस
पी ए पी ई आर इंटोगेटिव मार्क लगा दो। डज फादर रीड दी न्यूज पेपर, पिताजी अखबार क्यों पढ़ते हैं, तो क्योंकि अंग्रेजी हमने यहाँ से लगा, यहाँ लगा दो वाई, वाई हो गया। डज, वाई डज फादर रीड, फादर वाई डज फादर क्या आएगा, रीड द न्यूज पेपर। न्यूज पेपर, अंडरस्टैंड, समझ आ गया तुमको क्या अंतर हो गया। यहाँ वाई का यूज किया हमने, क्यों, क्योंकि हमने इसलिए यूज किया है वाई का क्योंकि यहाँ पर क्यों आ गया था, यहाँ हमने क्या था, क्या पहले था लगाओ, इसलिए हमने डज का यूज किया। अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया होगा। इस तरह से जो है आपको सेंटेंस बनाएंगे हम, ठीक है। हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, हमने लिखा कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना क्यों खाता हूँ, चारों सेंटेंस बनाएंगे। मैं खाना खाता हूँ, एक सेंटेंस लिखो, एक सेंटेंस लिखो मैं खाना खाता हूँ, फिर लिखो मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, अंडरस्टैंड। अब ये सेंटेंस हैं, जैसे मैंने लिखा मैं खाना खाता हूँ, क्या लिखा सेंटेंस, मैं खाना खाता हूँ, तो क्या बनाएंगे, मैं की आई हो गई, क्या मैंने खाना होता है, ईट, आई ईट दी फूड, आई ईट दी फूड, अंडरस्टैंड। अब मैं खाना नहीं खाता हूँ तो आई डू नॉट ईट दी फूड। क्या मैं खाना खाता हूँ तो क्या बनाएंगे हम, डू आई ईट दी फूड। अब मैं खाना क्यों खाता हूँ तो वाई डू आई ईट दी फूड। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे, कोई भी ऐसी सेंटेंस ले लेंगे हम, एक सेंटेंस ले लिया हमने कोई, और उस सेंटेंस के चार बनाने हैं हमें। मैं खाना खाता हूँ, जैसे इसी के मैंने बनाया, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना क्यों खाता हूँ, ऐसे हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, या क्यों जाते हैं, राधा किताब पढ़ती है, राधा किताब नहीं पढ़ती है, क्या राधा किताब पढ़ती है, राधा किताब क्यों पढ़ती है, या राधा किताब कहाँ पढ़ती है, अंडरस्टैंड। इस तरह से जो हम क्या करेंगे, इसको हम सेंटेंस को रिवीज कर लेंगे, रिपीट करने के बाद इसे हम बार बार करके और मेरे पास इसे जो आप क्या अटेंडेंस ग्रुप पर इसे हम भेज देंगे। और इस वीडियो को आप अगर आपको अच्छी लगी तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू।